और अल्लाह की खुशनूदी के लिए हज और उम्रे को पूरा करो, और अगर रास्ते में रोक लिए जाओ तो जैसी कुर्बानी मुयस्सर हो कर दो, और जब तक कुर्बानी अपने मुकाम पर न पहुंच जाए सर न मुंडाओ, और अगर कोई तुम में बीमार हो या उसके सर में किसी तरह की तकलीफ हो तो अगर वो सर मुंडा ले तो उसके बदले रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर जब तकलीफ दूर होकर तुम मुतमईन हो जाओ तो जो तुम में हज के वक्त तक उम्रे से फायदा उठाना चाहे वो जैसी कुर्बानी मुयस्सर हो करे, और जिसको कुर्बानी न मिले वो 3 रोजे अय्याम हज में रखे और 7 जब वापस हो, ये पूरे 10 हुए। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जिसके अहलो अयाल मक्के में न रहते हों, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है।